इस वक्त की बड़ी खबर, बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, संघ और बीजेपी पर तौकीर का हमला, पीएम मोदी को बताया कलयुग का धृतराष्ट्र, कहा संघ करा सकता है नुपुर शर्मा की हत्या, 2024 जीतने के लिए नुपुर की हत्या की साजिश। तो मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, एक ओर जहां माहौल खराब है और ऐसे में बयान देकर के हालात को काबू में करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मौलाना तौकीर रजा उल्टे और भड़काऊ बयान देते हुए यह आरोप लगाते हुए कि संघ करा सकता है नुपुर शर्मा की हत्या और 2024 जीतने के लिए नुपुर की हत्या की साजिश। मुल्क नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिलासारी किया है, तो मुसलमानों का ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से भी, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था, लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो पहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र, याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी, जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौकीर रजा खान का यह कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। दरअसल यूपी में 4 से 6 घंटे के अंदर माहौल ठीक हो गया और शायद मौलाना तौकीर रजा खान अब इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संघ करा सकता है नुपुर की हत्या। यहां आपको एक चीज और बता दें कि पश्चिम बंगाल में इमाम एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि वहां की सरकार, ममता बनर्जी सरकार, लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत ना दे ताकि लोगों की जिंदगी प्रभावित ना हो। और यहां यूपी में मौलाना तौकीर रजा का यह कहना है कि माहौल ठीक नहीं होगा जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में दखल नहीं देंगे।